जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक न्यूज़पेपर है द टाइम्स ऑफ इंडिया, इनके द्वारा एक जानकारी दी गई है। वो दी गई है कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल डिपार्टमेंट ने ये ऑब्जेक्शन उठाया है। इन्होंने लिखा है कि इतने सारे ऑफिसर्स को क्यों मिल रही है डिसेबिलिटी पेंशन, यानी ऑफिसर्स बहुत सारे हैं उनको हाइयर डिसेबिलिटी पेंशन क्यों मिल रही है। इसके बारे में MOD सेना ने मुआवजे की उच्च संख्या के कारणों का आकलन करने के लिए कहा है, इसका पता लगाने के लिए कहा है कि इतने ज़्यादा परसेंटेज में डिसेबिलिटी पेंशन ऑफिसर्स को क्यों मिल रही है। और दोस्तों, इसमें बहुत से ऑफिसर्स हैं जिनको डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है। नीचे देखिए क्या लिखा है, हर साल रिटायर होने वाले 36% से 40% अधिकारियों को बहुत अधिक डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, और जो केवल 15% और 18% जवानों को ही मिलती है। तो दोस्तों, जवानों से ज़्यादा जो ऑफिसर्स हैं वो डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों, एक सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है यहाँ पे CAG के द्वारा। आगे क्या लिखा है इसमें, इसके अलावा 12 लाख मजबूत सेना में अन्य अधिकारियों की तुलना में विकलांगता पेंशन के साथ सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सा अधिकारियों, इसमें मुख्य रूप से जो डॉक्टर्स हैं उनका परसेंटेज 40% से 58% पर काफ़ी अधिक है। इन आंकड़ों का हवाला देते हुए CAG ने अब MOD को ये निर्देश दिए हैं कि इसके बारे में आप पता लगाइए, यानी MOD को ये आदेश दिए हैं कि आप इसके बारे में पता लगाएं कि जो ऑफिसर्स हैं, जो ज़्यादा ऑफिसर्स हैं वो कैसे डिसेबिलिटी पेंशन ज़्यादा ले रहे हैं, किस तरीके से वो डिसेबिलिटी पेंशन ज़्यादा हो रही है उनकी। तो इसके बारे में MOD को ये निर्देश दिया है, और इसके बेस पर जो जवान हैं उनको कैसे मिल रही है कम डिसेबिलिटी पेंशन, उनका परसेंटेज क्यों कम है। आगे क्या लिखा है, इसके आगे 22% और 13% विकलांगता पेंशन मामले में अधिकारियों को दिए गए, यानी 22% से 13% भी ऐसे मामले हैं जहाँ पे विकलांगता पेंशन अधिकारियों को मिल रही है। और उसी के नीचे जो PBOR हैं, जवान हैं, जो JCOs हैं, उनको कम डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है, यानी उनका परसेंटेज काफ़ी कम है। दोस्तों, ये बहुत ही तगड़ी रिपोर्ट निकल के आई है CAG के द्वारा। अगर ये आंकड़े सही में MOD देखता है तो इसके बेस पे ORs JCOs को यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये रिपोर्ट देखी जाएगी कि ऑफिसर्स इसमें कैसे ज़्यादा आ गए डिसेबिलिटी पेंशन लेने के मामले में। दोस्तों, अब इसमें लास्ट वाला पॉइंट देखिए, औसतन विकलांगता पेंशन सामान्य से 20 से 50% अधिक है, यानी जिस परसेंटेज के हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन देनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज में ऑफिसर्स को डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है। तो दोस्तों, इसकी जांच होगी, इसकी जांच पड़ताल की जाएगी MOD के द्वारा, CAG के द्वारा। आगे क्या लिखा है, कुछ कर्मियों द्वारा प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक उचित विश्लेषण और सुधारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। दोस्तों, अगर कुछ गलत तरीके से ऑफिसर्स को डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है तो उसकी भी यहाँ पे सुनवाई होगी। आगे क्या लिखा है, 7CPC वेतन आयोग ने संयोग से विकलांगता पेंशन मामलों में उछाल पर भी सवाल उठाया था। इससे भी दोस्तों ये सवाल उठा था कि 7CPC में किस तरीके से डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है, इसके बारे में भी ऑब्जेक्शन आया था। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी जांच पड़ताल होगी कि ऑफिसर्स को डिसेबिलिटी पेंशन किस मामले में किस तरीके से दी जा रही है, और ऑफिसर्स का परसेंटेज क्यों हाई है डिसेबिलिटी पेंशन देने के लिए। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही रिपोर्ट है, इस पर यह देखा जाना चाहिए कि जो PBOR हैं उनकी डिसेबिलिटी पेंशन कम क्यों है और ऑफिसर्स की इतनी ज़्यादा क्यों है। एक ऑडिट रिपोर्ट के अंतर्गत, एक ऑडिट के द्वारा ये हमें पता लग पाएगा कि किस तरीके से, किस बेस पे डिसेबिलिटी पेंशन दी जा रही है ऑफिसर्स को। दोस्तों, अगर इसके बारे में कुछ होता है तो ये ORs JCOs को भी फेवर में करेगा डिसेबिलिटी पेंशन के मामले में। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट निकल के आई है टाइम्स ऑफ इंडिया की, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं।
वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।